चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको एग्जाम वाला बहुत अच्छे से घुमा सकता है, तो इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंगनेस। आपको ये देखना है कौन से एटम को इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे। जिस एटम को इलेक्ट्रॉन पसंद होंगे तो आप बोलोगे उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अगर किसी एटम या आयन को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है तो आप बोलोगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। चलिए दोस्तों आइए समझते हैं। जब हम लोग सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो एटम्स के अंदर लाइकिंगनेस जो है वो कुछ इस तरह से रहती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। किस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का आना? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता था, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम ए माइनस एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। और एटम को जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पसंद आएगा एनर्जी उतनी ज्यादा निकलेगी। जितना इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंगनेस उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो हमको इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंगनेस देखनी है, कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पसंद करेगा। दोस्तों जब जनरल ट्रेंड इज लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के कारण चीजें वैरी करती हैं। कहां कहां वैरी करते हैं आइए समझते हैं। लिथियम से बेरिलियम है, लिथियम की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हो जाएगा कंप्लीटली फिल्ड एस सबशेल। बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बोरॉन से कार्बन में बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कार्बन में अगर दो इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन में घटेगी, ऑलरेडी हाफ फिल्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पहले से ही मस्त है, स्टेबल है। ऑक्सीजन में बढ़ेगी, फ्लोरीन में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इट रिक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड नोबल गैस को जरा भी नहीं पसंद है इलेक्ट्रॉन, सो उनमें इलेक्ट्रॉन का आना फेवरेबल नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दोस्तों जो जनरल ट्रेंड इज दिस। अब यहाँ पे याद रखना, कभी भी कंपैरिजन आएगा सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, नोबल गैस की। कभी भी कंपैरिजन आएगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, हैलोजन्स की। इनको इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पसंद है, उनको इलेक्ट्रॉन सबसे कम पसंद है। बाकियों में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन और बेरिलियम फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होगी, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद है। सो नियॉन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, हैलोजन की सबसे ज्यादा, याद रखिएगा। और हैलोजन में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, पी ब्लॉक एलिमेंट में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट में सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, सेकेंड और थर्ड पीरियड में नॉर्मली तो क्या होना चाहिए, ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए, बट देर इज एन एक्सेप्शन। कहाँ पे एक्सेप्शन होता था, पी ब्लॉक में। क्या होता था एक्सेप्शन, कि पी ब्लॉक में व्हेन वी मूव फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी नॉट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉट डिक्रीज, इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज। वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज, क्योंकि सेकेंड पीरियड छोटी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कम आ सकते हैं। छोटी सी शेल में जब आप एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। थर्ड पीरियड बड़ी होती है, थर्ड पीरियड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बड़ी पीरियड में जब आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, सो इलेक्ट्रॉन का आना फेवरेबल होगा। सो ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होने के कारण थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। ऐसा कहां होता है दोस्तों, ये कहां होता है, इन पी ब्लॉक। जिस कारण से दोस्तों हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फ्लोरीन या मैं कहूं हैलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, आपको बताया। हैलोजन्स की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नोबल गैस की सबसे कम होती है, आपको बताया। और हैलोजन में भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की नहीं होगी, बल्कि फ्लोरीन से नीचे वाले थर्ड पीरियड वाले बंदे, दैट मीन्स क्लोरीन। क्लोरीन इज हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एंटायर पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में किसकी होगी, क्लोरीन की। और अगर मैं आपसे ये पूछूं सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होगी दोस्तों, सबसे कम इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंगनेस किस में होगी दोस्तों, सबसे ज्यादा नफरत किसकी होगी, ये आप देखिए। कौन बंदा इलेक्ट्रॉन को जरा सा भी दोस्तों पसंद नहीं करेगा, आप ये देखिए। तो नफरत के मामले में तो भाई सबसे आगे होंगे कौन, नोबल गैस। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन के लिए नफरत दोस्तों सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और नोबल गैस में भी जब हम जाएंगे सो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, और नीचे जाने में हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हमारी घटती है। सो दैट मीन्स जो बंदा दोस्तों सबसे नीचे है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए लाइकिंग में सबसे कम होगी, ये दोस्तों यहां पर चीजें होंगी, ठीक है। तो ये यहां पर हमारा फंडा रहता था, तो ये अपना हो गया यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, ठीक है। और बाकी इसके ऊपर जो सवाल होते हैं वो भी आपको बताते हैं हम लोग।
सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इन बातों का आपने ध्यान देना है। चलिए दोस्तों।